हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में, जो कि प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू है। तो हम जानेंगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम के जनरल फीचर्स क्या होते हैं और प्लांट के अंदर कितने तरह के वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये मेनली कंडक्टिंग टिश्यूज़ होते हैं। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में वो सारे टिश्यूज़ इंक्लूड होंगे जो कि प्लांट में कंडक्शन का काम करते हैं या ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, मतलब एक जगह से पानी को दूसरी जगह पहुँचाना और फूड जो सिंथेसाइज हुआ उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड जो हमें जानना है वो है स्टील। अब स्टील का मतलब क्या है? हम जानते हैं कि वैस्कुलर टिश्यू जो होता है, एपिडर्मल टिश्यू बाहर की तरफ मिलता है, ग्राउंड टिश्यू पूरी बॉडी बनाता है और वैस्कुलर टिश्यू सेंट्रल में मिलता है। किसी भी प्लांट के ऑर्गन के मिडिल में मिलेगा, भले ही वो लीफ हो, शूट हो या रूट हो, मिडिल के अंदर जो टिश्यू मिलेगा वो वैस्कुलर टिश्यू होगा। और सेंट्रल सिलेंडर, रूट और शूट का सेंट्रल सिलेंडर ग्राउंड टिश्यू को इंक्लूड करके, मतलब कि पेरिसाइकल और पिथ को इंक्लूड करके जो सेंट्रल सिलेंडर बनेगा किसी प्लांट में, उसको हम स्टील कहेंगे। तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होगा? स्टील होगा और वैस्कुलर बंडल्स होंगे। वैस्कुलर बंडल्स किस चीज़ के बने होते हैं? वैस्कुलर बंडल्स बने होते हैं जाइलम, फ्लोएम और एक और इम्पॉर्टेंट लेयर के, जिसको कहते हैं हम कैम्बियम। अब कैम्बियम आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ग्रीन लेयर जो है कैम्बियम मेरिस्टमैटिक टिश्यू की लेयर है, जो कि जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ करता है, मतलब जब वो गर्थ में बढ़ता है या डायामीटर में बढ़ता है, तब जो ग्रोथ होती है उसमें कैम्बियम क्या हेल्प करता है? फ्लोएम और जाइलम को सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने में, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मिला के वैस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। फंक्शन हमें पता है, वैस्कुलर बंडल्स भी, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी मेरिस्टमैटिक टिश्यू से ही बना है और जो प्राइमरी मेरिस्टम वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है उसको कहते हैं हम प्रोकैम्बियम। अब ओपन और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? तो ये जो डिस्टिंग्विश किया है या ये जो बताया है, दो तरीके से डिवाइड किया है, उसका क्राइटेरिया क्या है? कैम्बियम की प्रेजेंस या एब्सेंस। तो दो तरीके के होते हैं, ओपन वैस्कुलर बंडल्स और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। ओपन वैस्कुलर बंडल मतलब कैम्बियम की एक लेयर प्रेजेंट होगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये है डाइकॉट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें ओपन वैस्कुलर बंडल मिलेगा। मोनोकॉट में क्या होगा? क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल मिलेगा। क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल का मतलब, क्योंकि मोनोकॉट्स जनरली हर्बेशियस होते हैं, उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, तो इनके अंदर वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा, कैम्बियम नहीं होगा, सिर्फ जाइलम और फ्लोएम बंडल्स बनाएंगे और ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? मोनोकॉट स्टेम की। अब टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे, कि वो प्लांट में जो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अरेंज किस तरीके से। सबसे फर्स्ट है रेडियल। रेडियल में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेट रेडियस पे अरेंज होंगे। ऑल्टरनेटिवली देखिए, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इनका रेडियस ऑल्टरनेट है, डिफरेंट रेडियस पे अरेंज्ड है। ये कैरेक्टरिस्टिक है रूट की। तो रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल मिलेगा। नेक्स्ट है कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉनजॉइंट मतलब जॉइंट है। अब इसमें जाइलम और फ्लोएम जॉइंट है और ये ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। तो क्लोज में क्या होगा? वैस्कुलर कैम्बियम की लेयर नहीं मिलेगी, और ओपन में क्या होगा? वैस्कुलर कैम्बियम की लेयर मिलेगी, पर ये कॉनजॉइंट है, मतलब एक ही रेडियस पे प्रेजेंट है। तो जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियस। कहाँ मिलेगा? लीफ और स्टेम में कॉनजॉइंट वैस्कुलर बंडल्स मिलेंगे आपको, और ये दो तरीके के फर्दर हो सकते हैं, ओपन और क्लोज्ड। नाउ कॉन्जॉइंट वापस सिर्फ दो तरीके से कैटेगराइज हुआ है। फिर हमने दो तरीके से कॉन्जॉइंट को कैटेगराइज किया है, वो है कोलैटरल और बाइकोलैटरल। अब कोलैटरल का मतलब है फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। तो फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, जाइलम अंदर की तरफ होगा। यहाँ भी फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है। ये फर्दर ओपन और क्लोज्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट है बाइकोलैटरल। बाइकोलैटरल का मतलब क्या है? कि जाइलम तो बीच में आ गया है और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम की लेयर है और सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इस कारण से वास्कुलर कैम्बियम की आपको लेयर मिलेगी बाइकोलैटरल प्लांट्स में। ये कैरेक्टरिस्टिक किसकी है? कुकुरबिटा के स्टेम की और सोलानासी के स्टेम की।
अब दूसरे अगली तरीके का जो वैस्कुलर बंडल है वो है कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल। अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो सर्कल की लेयर है इनके अंदर। तो क्या होगा, ये वैस्कुलर टिश्यूज आपस में दो सर्कल की लेयर बना लेंगे, या तो फ्लोएम अंदर की तरफ हो जाएगा या जाइलम अंदर की तरफ हो जाएगा। उसके बेसिस पे ये दो तरीके के होते हैं, एम्फीक्रिबल और एम्फी वेसल। अब एम्फीक्रिबल मतलब हाइड्रोसेंट्रिक, हाइड्रोसेंट्रिक मतलब हाइड्रोम जो कि जाइलम है वो सेंटर में है और फ्लोएम उसके आसपास एक लेयर बना रहा है। एम्फी वेसल का मतलब क्या हुआ कि फ्लोएम सेंटर में आ गया और जाइलम उसके आसपास लेयर बना रहा है। जैसे कि आप डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं कि दूसरे टिश्यूज जो एक टिश्यू बाहर है, दूसरा टिश्यू सेंट्रल कोर बना रहा है। अब जो एम्फीक्रिबल है वो फर्न्स और एक्वेटिक प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, और एम्फी वेसल जो है वो जनरली ड्रेसिना और यूका में मिलता है। तो समराइज करके हम क्या कह सकते हैं कि जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो कैम्बियम की प्रेजेंस या एब्सेंस पे दो तरीके के हैं, ओपन और क्लोज्ड। ओपन में कैम्बियम होगा जो कि डाइकॉट स्टेम में है, और क्लोज में कैम्बियम नहीं होगा। फिर दे आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेसिस पे दो तरीके के हो गए, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल जनरली रेडियल वैस्कुलर बंडल्स होंगे जिसमें जाइलम और फ्लोएम ऑल्टरनेटिवली अरेंज होगा और अलग अलग रेडियस पे होगा, और कंपाउंड में वापस वो दो तरीके के होंगे, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट जनरली लीफ और स्टेम में मिलते हैं। कॉन्सेंट्रिक कॉन्जॉइंट में वो ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, पर वो फर्दर दो तरीके के हैं, कोलैटरल और बाई कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, और ये ओपन और क्लोज दोनों हो सकते हैं, और बाई कोलैटरल मतलब जाइलम बीच में, फ्लोएम दोनों तरफ है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब अगेन या तो जाइलम सेंट्रल कोर बनाएगा और उसके आसपास एक सर्कल में फ्लोएम होगी तो वो हो जाएगा हाइड्रोसेंट्रिक, और अगर फ्लोएम सेंटर में हो गया और जाइलम ने उसके आसपास लेयर बना ली तो वो हो गया लेप्टोसेंट्रिक। तो ये था वास्कुलर टिश्यू सिस्टम के बारे में। आने वाले वीडियोस में हम इंडिविजुअली रूट और स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। तब तक थैंक यू। TutorialsPoint.com, सिंपली इजी लर्निंग।